13 जुलाई 2019 को आज रेवसा थाना इलाके में एक सांड को पीट पीट कर मार डालने का और गड्ढे में गिरा कर मार डालने का एक मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि रेवसा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा निवासी कुछ ग्रामीणों ने एक दूसरे पर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वो खेत में फसल के नष्ट नुकसान कर रहे सांड को दौड़ाते हुए लाए घेर कर और उसके बाद एक शौचालय के गड्ढे में उसको घेर कर गिरा दिया, जिससे कि वो निकल नहीं सका और उसको पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखित तहरीर थाना प्रभारी रेवसा को दिया, जहां पे वहीं पे जब सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ, जब बात की गई तो बोले कि मौके पर पुलिस गई हुई थी और जांच की गई है। शव को डॉक्टर कब से पीएम कराने के बाद कराया गया है और पीएम कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया है जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ फोटोज और वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं, नीचे खबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है, उसको पढ़ सकते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद, अच्छा कहाँ रहते हैं? पिपरा। कैसे क्या हुआ है? साल रहा एक 5-6 लोग भीतर लाए होगा और टंकी उनका ढकेल दें। काहे का टैंक? टैंक उतरती वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें मतलब जो है मारते लाए उसको, उसमें गिर गया, बाहर निकल गया, नहीं आई उनका बाहर ना निकल। अच्छा, अनिल कुमार कहाँ रहते हैं? पिपरा। अच्छा, क्या हुआ है, सांड की मौत कैसे हुई? मौत पछुए हार से खाते लाए खाद नहीं और इसके बाद में उसका मार पीटे मारे पीटे वो टैंक घेर के यहाँ गिरा दी और मार पीट के वह मर गया। जब देर उसका निकाल के हैं या वह लड़का देख के बताए कि वो पाटे थी तब हम खाने का उसको पाट भी दिया। हाँ, पाट ये जाओ। अच्छा, उत्तर में हम रहते हैं। उत्तर में रहते हैं बाबूराम अवस्थी नाम। अच्छा अच्छा, बाबूराम अगल गए थे पंडित दादा के यहाँ किसी काम से, भगवती प्रसाद शुक्ला के वहाँ गए थे किसी काम से, वहाँ पर गए थे तो वहाँ चर्चा हो रही थी। सांड को लोग पीछे हार से पश्चिम हार से खेद करके लाए हैं, मारती पटे ला करके टैंकर में डाला तो देखते उधर से हम ये सीधे सुनता चले। उसको पीट पीट कर मार डाला? हाँ, मार डाला। पीटते हुए लाए हैं खेत से? अच्छा, पीटते हुए टैंकर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम? बाबूराम अवस्थी। बाबूराम अवस्थी कहाँ रहते? सेवता। अच्छा, सेवता। क्या नाम है तुम्हारा? सरोज मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? पिपरा। पिपरा, कैसा क्या हुआ? उनका कल देर रात का 5-6 लोगों ने मुस्लिम समुदाय के और उनका सांड के यहाँ मार पीटत लाए और लैटरिन के टैंक में गिराए दें और फिर उनका बाहर ना निकले दें, वह बेचारे मार डे पीट गया हुआ। पीटिंग मार डाला? अच्छा, किन 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 लोगों ने मारा? वह शमसुद्दीन रहें और कमाल हेमंत रहें, वसीम रहें, मुबारक रहें और वहाजुद्दीन नहाय, मैनुद्दीन। अच्छा अच्छा, ये जो है इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके कमाल अहमद नाम, नबी बख्श है एक नहीं अब जिनका नाम बताओ उनके पिताजी का नाम भी बताओ। शमसुद्दीन कमाल अहमद। अच्छा, और वहाजुद्दीन कमाल अहमद, वसीम पुत्र गनी और मैनुद्दीन कमाल अहमद। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं तुम्हारी? दादा हमारा रंजिश कौन है? और लेटे के टैंक में उसको पीट पीट। कौन कौन घेर लग के लाया? 5-6 लोग थे। कहाँ के? पिपरा के ही। कौन लोग थे? मुस्लिम। नाम बताओ। शमसुद्दीन कमाल अहमद, मुबारक दिलदार, वसीम, नबी गनी, वसीम गनी। अच्छा, इन लोगों ने खेत के लाए? खेत के लाए पीट कर और लेटे का टैंक था उसमें गिरा दिया। मैनुद्दीन, मैनुद्दीन कमाल अहमद। ये जो सांड की मौत हुई है इसमें कोई तुम लोगों की कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? नहीं तो इस बात को क्यों उठा रहे हो? क्या क्या आपका उद्देश्य है, कैसे उठाया? अभी इतना जानो का मार्ट नहीं मुसलमान लोग तो हमसे देखा कर बेकार कर ताड़ा दे रहे हैं मुस्लिम भाई जी, लोग बहुत मार दिया। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से आपने थाने में तहरीर दी? अच्छा, थाने में तहरीर दे दी है? देने जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन देने जा रहे हैं आप लोग? हाँ।